छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं। जो योगी जी का स्टेटमेंट है, मैं उसी बटेंगे तो कटेंगे, एक उसी बटेंगे मतलब क्या, केवल जातियों पे बटेंगे उसमें उन्हें आपत्ति है, हिंदू मुसलमान में खुद बांटना चाह रहे हैं, मुसलमान से डराना ही तो हिंदुओं को चाह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर तुम बटे, और जो आपने संगीत रागी जी ने इशारा किया उसे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए, वो उन्होंने बोल दिया था कि अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और जातियों में कहां बटता दिखाई देता है इन्हें। वैसे ये तो हमने बचपन में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि भारत इतना महान देश था, क्यों गुलाम हो गया, तो हमें पता है, कम्युनिस्टों ने पढ़ाया है। मेरे ख्याल से ये शो इस तरह बीच में बात काटने का नहीं और टिप्पणी करने का नहीं है, मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप बेसिक बोल लेना, क्योंकि आप जितनी देर बोले हमने शांति से सुना। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में और तथ्यों में को घुमाने में बहुत माहिर हैं। आपने कहा पिछले 3-4 साल से जातियों की बात होने लगी है, जातियों की बात तो 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा ये वर्ण व्यवस्था खराब है, ये ऊंच नीच खराब है, हम सब भाई हैं, सब एक ही प्रकृति की देन है। जातियों की बात तो इस देश में ज्योतिबा फुले ने भी की, कबीर ने भी की, नानक दादू रैदास ने भी की, जातियों की बात तो काका कालेलकर ने भी की, मंडल आयोग ने भी की, जातियों की बात कब नहीं हुई। और हमारे वेद में भी वर्ण व्यवस्था है, और इस वर्ण व्यवस्था को आधार बना के और धर्म का मुलम्मा चढ़ा के उसके ऊपर सामाजिक अव्यवस्थाओं को धर्म का नाम दे के 90% लोगों का शोषण इस देश में होता रहा, 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, सत्ता से वंचित रखा गया और सम्मान से वंचित रखा गया। उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। मैं थोड़ा एक मिनट सुन, अब हो गया, आप नहीं हो कहा, बहुत ज्यादा समय नहीं हो, आपसे कम ही बोला हूं मैं, दूसरा कोई नहीं बोल पा। ऐसी खराब, ऐसी सड़ी हुई व्यवस्थाएं बनाई गई, आप नए वस्त्र नहीं पहन सकते, आप पक्के मकानों में नहीं रह सकते, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं घुस सकते। इन सड़ी गली व्यवस्थाओं के कारण 5000-4000 साल में 90% लोग इतने पीछे चले गए। अगर उन्हें बराबरी में लाने की बात की जाती है, उन्हें विशेष अवसर देने की बात की जाती है, उन्हें हिस्सेदारी देने की बात की जाती है, तो आप उसे बटेंगे कहते हैं, और इसमें आप धमकी देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्य जी ने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और ये जितनी पक्षी विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों की राजनीति की, क्योंकि मुसलमान एक साथ एक गोलबंद होता था। आपने देखा इस चुनाव में योगी जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबके लिए काम किया, उज्ज्वला योजना सबके लिए थी, 33% बेनिफिशियरी मुसलमान है, लेकिन वो वोट जिहाद करेगा क्योंकि वो वोट दीन के नाम पर वोट करता है। भारत का और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए नहीं हुआ था, नहीं सुन लीजिए, इसलिए हुआ था क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते। क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात इस देश के मुसलमानों की मानसिकता में परिवर्तन आया है? नहीं आया है। सुन लीजिए, नहीं, 10 सेकंड और। अंबेडकर ने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बहुत साफ कहा, इस्लामिक थियोलॉजी ऐसी है जो डिविजिव है, अपने आप में ये कोएग्जिस्टेंस के खिलाफ है। नहीं, मुसलमान के लिए क्या लिखा है तो पढ़ लिया आपने। मैंने कहा ना, आप लास्ट बस आप सुन लीजिए, कितना लंबा चौड़ा है, हमने जिस सर नहीं कहा, लास्ट एक लास्ट लाइन बोल देता हूँ, लास्ट लाइन बोल देता हूँ। लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर के भाषण को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उन्होंने यही कहा था। नहीं, उन्होंने यही कहा था, सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि अब ये पार्टियां आ जाएंगी, हम आजाद हुए हैं, कहीं ये देश फिर से गुलाम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये देश में ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने पार्टियों के हितों के लिए कहीं राष्ट्र की बलि तो नहीं चढ़ा देंगे, राष्ट्रीय हितों की। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की, राहुल गांधी से ज्यादा कोई डिविजिव कोई इस देश में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जो मुझे नहीं मालूम है कि विदेश के किस एजेंडे के तहत राहुल गांधी कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग इस देश में कर रहे हैं। हिंदू समाज को बांटने का पाप और दुष्कर्म जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं जातीय जनगणना कराई थी, इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं कराई थी? योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, कटोगे बटोगे दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, और कह रहे हैं श्रीलंका, वहां पर देखो क्या नाम है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, और वहां पर जो घटना घट रही है उसकी घोर निंदा करता हूं और उसको कंडम करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा है संख्या में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू हैं, मुसलमानों से कहां खतरा है जो कह रहे हो 1000 तो कटोगे,
और दूसरी बात यह कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले तो सबका विकास सबका भी सब करते रह गए। अरे भाई यूपीए की सरकार में दो बार एक आदमी को आपने जिसका 1.5% वोट था सरदार जी का, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया। मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देता रहा, उसके बाद मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया खान साहब? क्यों नहीं बनाया भाई? क्यों नहीं बनाया भाई? आप सच्चर रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें 62% था कि मुसलमान जो है दलितों से बदतर स्थिति में है, आपने एक पॉइंट पर काम नहीं किया, इसीलिए दशा आपकी ये हो गई है। देखिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप बताइए आज के अंदर में कौन मंत्री मुसलमान है? कोई नहीं। सबका विकास सबका विश्वास सबका ये कहा जाता है। आप या तो योगी जी की बात मान लीजिए या तो प्रधानमंत्री जी की बात मान लीजिए, दोनों की बातों में कंट्राडिक्शन है। वो कह रहे हैं कटोगे, ये कह रहे हैं सबका विकास सबका विश्वास। एक छोटी सी टिप्पणी बस कर रहा, एक छोटी सी टिप्पणी। पाकिस्तान में 4,332 मंदिर थे, आज के दिन में 28 मंदिर बच गए हैं। घूम फिर के सुन लीजिए, सात लाख मस्जिद है और मंदिर कितने हैं? इस देश का इस्लामीकरण हुआ है, इसका खतरा है। अब मैं जवाब दे दूं मंदिर को, जो खान साहब बोले और जो भाटी जी के सवाल में ही अपना जवाब नहीं था। इन्होंने कहा कभी दलितों को सम्मान नहीं मिला, सिर्फ ऊंची जातियों को सम्मान मिला। अपने मुंह से खुद बोले, बताइए अगर सम्मान नहीं मिला तो सुनिए, संत दादू, संत रैदास, संत नामदेव, संत कबीर और दक्षिण भारत में संत थिरुवर वल्लुवर, ये पूज्य संत कैसे हुए? हिंदू धर्म के दो बड़े महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, आज वाल्मीकि समाज कहां आता है? एससी में। ये बताइए महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास जी की मां मछुआरिन थी, जो समाज आज कुछ राज्यों में एससी में, कुछ में ओबीसी में आता है। और वहां पर मतंग ऋषि से लेकर दर्जनों, प्लीज मैं उसी पर दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मुसलमानों को भी जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, और उसके बाद मगर मैं ये बताना चाह, और महाराजा बिजली पासी, महाराजा सुहेल देव महाराजा हुए कि नहीं हुए, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं। और मैं दर्शकों से कहता हूं एक और बात समझिए, भारत में अंग्रेजों ने जनगणना कब शुरू कराई? 1861, 1857 के 4 साल बाद। अब आप समझ सकते हैं। और मजे की बात, भाटी जी की पार्टी बोल रही है जिसने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया उत्तर प्रदेश में, सपा की सरकार ने। हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किया सपा की सरकार ने। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी का बेकायदा कोर्ट में दिया बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, उनका बयान है, मेरा वर्ड नहीं है। और उन्होंने कहा 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मेरी पार्टी के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा था और कांग्रेस समर्थन कर रही थी। अभी मायावती जी ने 3 दिन पहले बयान दिया है कि कांग्रेस तो उस समय मेरे पक्ष में क्यों नहीं आए थे। वही मैं पूछना चाहता हूं, इनकी नजर में दलितों की स्थिति ये थी। और आज, और ये बोल रहे हैं ये भाई शोएब जमाई साहब, ये बताइए गद्दी, घोसी, अंसारी, कसाई, ये भी तो होते हैं मुस्लिम परसल्ला बोर्ड में, एक बताइए पसमंदा मुसलमान? चुनौती से कहता हूं, हम आपको बताते हैं 45 महामंडलेश्वर दलित हैं हमारी पार्टी में। साध्वी निरंजन ज्योति, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है, उनकी जाति कुछ राज्यों में एससी में, कुछ में ओबीसी में है। अब आप बताइए, आपसे पूछता हूं, एक दलित बताइए जो कन्वर्ट होके सैयद और शेख बनाओ। मुस्लिमों में हम किसको आगे बढ़ाते हैं? हमने डॉक्टर कलाम को आगे बढ़ाया आलम इस्लाम में पिछले 400-500 साल में। आज की बात, अरे बात तो आगे सुनिए, तो मिसाइल बनाने वाले, पूरी बात सुनिए ना, कहे आप इतना रहे। आज की डेट में मैं कहता हूं मिसाइल बना के देश को बचाने का काम किया, पूरी बात कह रहा हूं। तब आपने क्या कहा? आपने समर्थन किया, विरोध किया डॉक्टर कलाम का? समर्थन किया, बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया, मुलायम सिंह ने विरोध किया था। क्या बात कर रहे हैं 2002 में और 2000? अब दूसरी बात सुनिए, आज की राजनीति की बात कर रहा हूं। अपने मिनट में क्यों बीच में हम लोग बोल रहे हैं? हम लोग वरिष्ठ लोग हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, इस्लाम से बड़ा कोई जानकार हो आरिफ मोहम्मद खान से बड़ा बताइए? हमने केरल का गवर्नर बनाया, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ खड़े होते हैं। पूछिए जो पहली शहनाई 15 अगस्त 1947 को किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको 2001 में आके भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में, 50 साल सेकुलर सरकार में नहीं मिला।
यह बताइए वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने आके बुलाया, हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? अब जवाब दीजिए, थोड़ा सा उत्तर दे देता हूँ। इस पूरी डिबेट के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया, ऊपर वाला देख रहा होगा कि किसने तमाम जो बयान दिए अपने वो केवल और हिंदू मुसलमान के नाम पर दिए। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, ये कह रहे हैं कि साहब हमने इसलिए बना दिया कि वो मुसलमान थे। आलोक जी, मतलब इससे ज्यादा अपमान की बात, इससे ज्यादा अपमान उनका नहीं कर सकता है कोई भी। आलोक जी, हम हिंदू मुसलमान बोला, फिर सबके बीच में बोलूंगा, शांति से सुनिए, आप सबके बीच में बोले। आपने हिंदू मुसलमान सबसे पहले आप ही, हाँ मैंने किया है ना, हाँ बिल्कुल, आपका असली चेहरा मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने किया। मैं वापस आता हूँ, आपने, आप लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा मुसलमान कुछ नहीं, नहीं नहीं, आप आपको कुछ है ही नहीं। आपकी नाक के नीचे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान और चीन करकाक चला गया, मोदी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं, वहां पर भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है आप लोगों को, वहां पर आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा, वो नहीं दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस वापस आते हैं, राहुल गांधी पर छोड़िए ना, मोहम्मद यूनुस ने नहीं किया, वो जिसने किया अमेरिकन एजेंट की तरह काम करते हैं। आपको वहां भी हिंदू मुसलमान, राहुल गांधी तो अमेरिका गए थे ना, फिर वो बात तो यही डेमोक्रेसी बात कर रहे यार आप। सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है बांग्लादेश के मैटर पे, चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया आपको, और आप भी, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहां पर भी, मालदीव से लेकर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अभी ताजा ताजा जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी तो पूरी तरह से चाइना के गिरफ्त में आ गए, पूरी तरह से विदेश नीति फेल हो गई, लेकिन हिंदू मुसलमान करके आप उससे भी ध्यान भटकाना चाहते हैं। सुने ना, आप बसपा खत्म हो गई, अरे साहब आपकी बसपा खत्म हो गई, आप बसपा हमारा लेते हैं, बसपा खत्म हो गई इसी चक्कर में। अगले शो में मायावती जी कह देंगी भाजपा से सवाल पूछा था, साइड हो जाओ, अपने भतीजे को नहीं छोड़ा, आपकी क्या, आपकी क्या हिम्मत है, इसीलिए आप खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश में जीरो पर आ गए, प्रियंका गांधी का बस ये भाजपा की भाषा, आप भाजपा की भाषा बोल रही, आप समाप्त हो गए और समाप्त हो जाएंगे, वापस आते हैं सर। नहीं नहीं, देखिए मुझे सबके बीच में सब बोलते रहे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि पूरे शो के अंदर, पूरे शो के अंदर दो ही व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान किया, आचार्य जी ने भी कहा कि योगी जी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने काट दिया कि नहीं राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, संगीत रागी जी ने और भाजपा के प्रवक्ता ने। जहाँ हिंदू कम हो जाता है राष्ट्र कट जाता है। अरे भाई राष्ट्र कैसे कट जाता है, क्या हिंदू कम है यहाँ? अफगानिस्तान आप किसको डरा रहे? अफगानिस्तान के लिए, अरे अफगानिस्तान हमारी थी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है क्या? हिस्सा हमारा था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है क्या? कश्मीर का एक, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बांग्लादेश के लिए बोल रहा है, पश्चिम बंगाल के हिंदू, एक मुख्यमंत्री विदेश नीति भी तय करेगा क्या? मैं एक मुख्यमंत्री विदेश नीति भी तय करेगा क्या? विदेश क्या योगी जी को अफगानिस्तान की चिंता है? अफगानिस्तान की चिंता है, और वहां पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो SC ST के ऊपर 50% रेप के केसेस बढ़ गए, उसकी चिंता नहीं है उनको, अफगानिस्तान की चिंता है उनको। इसी मुद्दे पर बाहर वाले की बात, बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं, आप ही ने कहा था कि इस बाय इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए, तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो BJP को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल बहुत वाजिब है और पर्टिनेंट है। देखिए आपने कहा कि हमने मुसलमानों को ये दिया वो दिया, बिल्किस बानो के साथ इंसाफ कब होगा सर? मुझे बताइए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब माला पहनाया जाता है तो कौन यहाँ से उसमें आवाज़ उठा, क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर कहा कुछ? अब आप ये कहिए कि कहाँ इंसाफ दे रहे हैं, हाजी शहजाद को आप इंसाफ दे रहे हैं मध्य प्रदेश? कौन आपको यहाँ से संवैधानिक आधार अधिकार देता है कि आप एक आरोपी मात्र है और बगैर कोर्ट की कार्रवाई के आप बुलडोजर चला देते? बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलेगा? ये कौन सी आप यहाँ से देश को जोड़ने का काम? तो जातियों में बांटेंगे आप, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे आप, और इल्जाम हम पर? अगर बांग्लादेश के अंदर आज ये स्थिति है तो ये आपकी कूटनीतिक फेल्योर है। कहाँ गए जेम्स बॉन्ड हमारे?
ये क्या कर रहे थे आप? सार कंट्रीज में आप अपना वर्चस्व फैलाना चाहते हैं, मालदीव आपसे हट गया, नेपाल आपसे यहां से रूठा पड़ा है, एक लेके आप बांग्लादेश यहां से आपका यहां से चौपट हो गया, आप वहां कुछ कर नहीं सके, आपका क्या यहां प्रभाव है? यहां श्रीलंका के अंदर चाइना आ गया है, और एक लेके आप भूटान को बैठ के यहां से आपको लगता है कि सार कंट्रीज में आपका वर्चस्व हो जाएगा।